हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि जो यूपी लेखपाल हैं उसकी एग्ज़ाम को यूपी सरकार बहुत तेज़ी से कराने वाली है, ठीक है ना। तो ज़रूरत है कि एग्ज़ाम डेट आने से पहले ही उसकी तैयारी को पूरा कर लिया जाए। तो हमने आपको बताया था कि यूपी जो लेखपाल का एग्ज़ाम है जिसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है ना। उनमें से मैंने बताया था कि जो ग्राम समाज एवं विकास टॉपिक था, ठीक है ना, उसको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। और बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका वेटेज जो है एग्जाम में वो 1/4 का है। 25% जो नंबर हैं वो इसी के होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया था कि रेगुलर क्लास रखेंगे, ठीक है ना। आज संडे होते हुए भी हम क्लास निश्चित जारी करेंगे, ठीक है ना। वैसे मन नहीं था लेकिन हमने बोला था कि कल से करेंगे तो क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पे कल जो हमने आपको सबसे पहले ये बताया था कि ये जो बाल जो ग्राम समाज है, ठीक है ना, ग्राम समाज एवं विकास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें वो स्टार्ट करेंगे आपके लिए ग्रामीण प्रशासन के बारे में। जैसे कि देखो आप देख रहे हो ये ग्राम समाज एवं विलेज मतलब डेवलपमेंट का क्या है टॉपिक है, ठीक है ना, जिसमें पहला टॉपिक है ग्रामीण समाज, ठीक है ना। तो इसमें हम जानेंगे उसके घटक और राजस्व कार्य के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये ग्रामीण जो वर्ड दे रखा है, हम इस वर्ड को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नहीं जान सकते कि भाई इसका प्रशासन क्या है और इसके घटक और राजस्व क्या है। तो सबसे पहले जो हम इसे जानने के लिए पढ़ेंगे वो एकदम से बेस पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक का यदि आप बेस पढ़ते हो, मेरा कहने का मतलब कंसेप्ट को कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ते हो जिस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ओपन होती है, तो आपको टॉपिक रटने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार क्या होता है कि छात्र टॉपिक को रट लेते हैं, ठीक है ना, और एग्जाम में जब बैठते हैं तो टॉपिक उस रटने के अलावा, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि फैक्ट के अलावा अगर वो घुमा के टॉपिक को दे देता है तो वहाँ फंस जाते हैं। हम आपको जो डिस्कशन करेंगे वो एकदम से कंसेप्चुअल होगा और फुल अंडरस्टैंडिंग को ओपन करने वाला होगा, जिससे कि यदि थोड़ा घुमा करके भी क्वेश्चन आता है तो आप बेहद आसानी से उसे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ग्रामीण प्रवेश, ठीक है ना। ग्राम समाज और विकास में जो टॉपिक है वो है ग्रामीण प्रवेश, ठीक है ना। और इस ग्रामीण प्रवेश में जो हमारा सब टॉपिक है वो है ग्रामीण समुदाय, क्योंकि हमारा जो ग्राम समाज एवं विकास में ग्रामीण प्रशासन था जिसमें सबसे पहले हमें इस ग्रामीण को ही जानना बेहद जरूरी है। और जब हम ग्रामीण जानेंगे तो इसकी शुरुआत हम ग्रामीण समुदाय से करेंगे, ठीक है ना। और ग्रामीण समुदाय जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि ये ग्रामीण समुदाय कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जैसा कि हम ये देख भी रहे हैं कि जिसमें जो ग्रामीण समुदाय लिख रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्रामीण और समुदाय, ठीक है ना, जिसमें हमें जानना होगा कि ये ग्रामीण का मतलब क्या है और समुदाय का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जब हम ग्रामीण प्रवेश को समझेंगे तो यहाँ ग्रामीण का मतलब होगा दोस्तों क्षेत्र से, किससे मतलब होगा, कोई एक क्षेत्र होगा, कोई एक स्थान हो सकता है, ठीक है ना। और उस स्थान में यहाँ जो समुदाय से मतलब है वो उस स्थान में बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, मतलब कोई व्यक्ति समूह रह रहा होगा या व्यक्ति वर्ग का कोई समूह रह रहा होगा। व्यक्ति वर्ग से मतलब है दोस्तों जैसे किसी विशेष जाति का समूह हो सकता है, विभिन्न जातियों को मिलाकर के कोई समूह हो सकता है, किसी एक विशेष धर्म के व्यक्तियों का समूह हो सकता है, किसी एक विशेष स्थान पर रह रहा होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ किसी विभिन्न सारे धर्मों को मिलाकर के भी कोई समूह व्यक्तियों का रह रहा होगा। इन सबको मिलाकर के किसी क्षेत्र में किसी विशेष समूह या समूह वर्ग, ठीक है ना, इनको मिलाकर के रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रामीण समुदाय। या ग्रामीण शब्द से मतलब है, जिसे हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कि जो ग्रामीण शब्द होता है वो ग्राम से तात्पर्य रखता है। मेरा कहने का मतलब इस ग्रामीण शब्द को हमने ग्राम से लिया है तो हमें जानने की आवश्यकता होगी कि ये ग्राम क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ग्राम और गाँव एक ही बात होती है, ठीक है ना। गांव को जब हम डिफाइन करते हैं तो गांव का मतलब होता है कोई एक छोटा सा क्षेत्र होगा, कोई एक छोटा सा भौगोलिक निश्चित क्षेत्र होगा, ठीक है ना, जो नगर से छोटा होगा, किससे, जो नगर से छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये एक छोटा क्षेत्र होगा जिसमें कौन रह रहा होगा, मानव बस्ती रह रही होगी, ठीक है ना। मैंने अभी बताया था कोई व्यक्ति रह रहे होंगे,
व्यक्तियों का समूह रह रहा होगा, व्यक्ति वर्ग का समूह रह रहा होगा, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, गांव बोलते हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि ये हर हालत में नगर की तुलना में छोटे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। नगर गांव से बड़े होते हैं, क्या होते हैं ये आगे हम डिटेल में बताएंगे, यहाँ बेसिक सी चीज़ें जानना जरूरी है। अब दूसरी बात ये आती है कि गांव की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम गांव को जानते हैं तो जब हम जनसंख्या में देखते हैं गांव को, तो ये कुछ सौ से लेकर के कुछ हजार, मेरा कहने का मतलब कोई एक क्षेत्र होगा जिसमें मान लो 100 लोग, 200 लोग, ठीक है ना, 400 लोग रह रहे होंगे, है ना, उसी को गांव बोल दिया जाता है, या कई हजार लोग रह रहे होंगे, 1,000, 2,000, 4,000 लोग रह रहे होंगे, तो उसको भी क्षेत्र को क्या बोल दिया जाएगा, गांव बोल दिया जाता है। फिर बात आती है कि इसमें गांव जो हम बोल रहे हैं उसमें कार्यगत गतिविधियाँ क्या होती हैं, तो अधिकांश जो गाँव होते हैं उनमें जो है दोस्तों ज़्यादातर जो गतिविधि होती है वो कृषिगत होती हैं। आपको ये पहचानना होगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ये कई बार सवाल लेखपाल के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आपको जवाब देना होगा कि गांव वो क्षेत्र होते हैं जिनमें अधिकांश गतिविधियाँ कृषि और उससे संबंधित होती हैं, ठीक है ना, कृषि और उससे संबंधित होती हैं। अब कृषि और उससे संबंधित क्या होंगी, मान लो कृषि भी होगी, कहीं कहीं बागवानी हो रही होगी, कहीं मछली पालन हो रहा होगा, कहीं पशु पालन हो रहा होगा, समझ में आ रही बात नहीं आ रही, कहीं पर कीट पालन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब गतिविधियां जो होंगी उसे हम गांव कहते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ अन्य परंपरागत भी कार्य हो रहे होंगे, बहुत सारे गांव में ट्रेडिशनल को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, तो अन्य कार्य भी वहाँ पर हो रहे होंगे। फिर बात आती है कि गाँव को सुविधा के आधार पर कैसे डिफाइन करोगे, तो ध्यान रखना गाँव में शहरों की अपेक्षा सुविधाओं का अभाव होता है, मेरा कहने का मतलब शहरों की अपेक्षा सुविधाएं जो होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है ना। तो कैसी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा शहरों में अच्छी होती है, गांव में ठीक नहीं होती, तकनीकी शहरों में उच्च होती है, गांव में नहीं होती, अन्य संरचनात्मक विकास जैसे सड़कें हैं, घरों की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, अन्य सरकारी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये गाँव में थोड़ा सा उदासीन होती है। वैसे ही गाँव में रोजगार भी ज़्यादा, आय की अगर दृष्टि से देखें तो गांव में रोजगार भी ज़्यादा नहीं होते और लोगों की जो आय होती है वो भी अधिकांश गांव में कम होती है, ठीक है ना। शिक्षा की अगर हम बात करें तो गांव में उच्च शिक्षा का अभाव होता है, नॉर्मली पहले अगर मैं बात करूं तो गांव में शिक्षा होती ही नहीं थी, ठीक है ना, अब तब भी स्वतंत्रता के बाद अधिकांश गाँव में गवर्नमेंट शिक्षा प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर, सरकार ने फ्री शिक्षा का भी प्रावधान किया है, लेकिन आज भी गाँव में उच्च शिक्षा का क्या है, अभाव है, गांव में इंटर कॉलेज नहीं मिलेंगी, गांव में डिग्री कॉलेज काफ़ी कम मिलेंगे, ठीक है ना, टेक्निकल कॉलेज नहीं मिलेंगे, बीटेक वाले नहीं मिलेंगे, डिफेंस से रिलेटिव कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, तो ये इनका क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो ये पढ़ेंगे कि जो गाँव है उसका एक परिदृश्य क्या है, ठीक है ना, भारत का ग्रामीण परिदृश्य को हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमने गांव को जाना जिसमें हमने ये पढ़ा कि गांव एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो नगरों की अपेक्षा उसका भौगोलिक क्षेत्र कम होगा और उसमें बस्तियां, मानव बस्तियां रह रही होंगी जिसमें सुविधाओं का अभाव होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार से रिलेटेड सुविधाएं होंगी, ठीक है ना, और तकनीकी सुविधा, संरचनात्मक विकास की सुविधाएँ, रोजगार की सुविधा, इनका अभाव होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ गाँव में कई सौ लोग रह रहे होंगे या कई हजार लोग रह रहे होंगे, ज़्यादा संख्या में लोग गांव में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। हालांकि हम आपको बताएंगे कि भारत जो है वो ग्रामीण प्रधान देश है, ठीक है ना, गांव का या ग्राम प्रधान देश है या ग्राम प्राथमिकता वाला देश है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, उसे हम बताएंगे भी, उसे कैसे बताएंगे देखते हैं। तो देखो हम बात करते हैं भारत में गाँव की, ठीक है ना, तो भारत में वर्तमान में 6,40,930 कितने 6,40,930 गांव हैं, जिसमें मैं अगर शहरों की बात करूं तो लगभग 4,000 के करीब शहर हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकी संख्या जो है ये मैं जो बता रहा हूं वो 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं, ठीक है ना, जनगणना मीन्स सेंसस, ठीक है ना। सेंसस जब होता है तो गाँव घटते और बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना, कई जगह छोटी छोटी बस्तियाँ और बनती चली जाती हैं तो उनको गाँव घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। कई जगह गांव जब अच्छे विकसित हो जाते हैं तो वो नगर बन जाते हैं, कई जगह नगर और ज़्यादा अच्छे विकसित हो जाते हैं और वो शहर के पास आ जाते हैं तो वो शहर में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी संख्याओं में बदलाव होता रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं 2011 के सेंसस की बात करूँ तो भारत में जो कुल जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी,
1,21,00,000,000, ठीक है ना। जिसमें मैं शहरी जनसंख्या की बात करूं तो 37.1 करोड़ शहरी जनसंख्या थी और 83.37 करोड़ जो है वो ग्रामीण जनसंख्या थी। तो इस आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि भारत जो है एक ग्राम प्रधान देश है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा था उसकी प्राय मतलब ज्यादा होगी, ठीक है ना। परसेंट के भी आधार पर मैं देखूं तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 31.1% क्या है शहरी जनसंख्या है और भारत में 68.89% क्या है ये ग्रामीण जनसंख्या है। तो इस आधार पर भी भारत क्या निकल के आता है, इस आधार पर भी भारत ग्रामीण प्राथमिकता वाला देश निकल के आता है। जब मैं तुलना करता हूं 2001 के सेंसस के अनुसार, 2001 के जनसंख्या गणना के अनुसार, तो भारत में 102.87 करोड़ क्या थी जनसंख्या थी, जिसमें से 27.8% जो थी वो शहरी जनसंख्या थी और 72.2 करोड़ जो थी वो ग्रामीण जनसंख्या थी। तो आपसे कभी कभी तुलना करवा लेगा, तुलना क्या करवाएगा, देखो 2001 में शहरी जनसंख्या कितनी थी 27%, लेकिन 2011 में ये जनसंख्या बढ़ के कितनी पहुंची 31.1। इसका मतलब क्या, आपसे पूछ लेगा कि गत वर्षों की जनगणना के अनुसार वर्तमान जनगणना में शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो आपको जवाब देना होगा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कठिन नहीं है। 27 से कितनी पहुंची है, 27 से 31 पहुंच गई, और जबकि ग्रामीण जनसंख्या 72 से कितनी पहुंची 68। इसका मतलब ग्रामीण जनसंख्या का जो रेशियो है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, भारत का ग्रामीण परिदृश्य जब हम देखते हैं तो अधिकांशता की मैं बात करता हूं तो भारत जो है वो ग्रामीण प्रधान देश है। अब मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। दूसरी बात, भारत में अधिकांश ग्रामीण संस्कृति, क्योंकि गांधी जी ने ये बोला था कि भारत जो है वो गांव में निवास करता है, ठीक है ना। उनका मतलब था कि भारत का जो केंद्र बिंदु है वो गांव से शुरू होता है और वो चाहते भी थे भारत को ग्राम स्वराज्य बनाने के लिए। इसीलिए गांधी जी ने भारतीय संविधान में जब हम DPSP को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की है, ठीक है ना, कि ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसका मतलब है गांधी चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अम्बेडकर इनका विरोध करते थे, अम्बेडकर ग्रामीण संविधान में जो स्वशासन की जो इकाइयाँ होती थी उसके पक्षधर नहीं थे। लेकिन गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, ये लोग गांधी जी के क्या थे, पक्षधर थे, ठीक है ना। दूसरी बात, भारत में ग्रामीण क्षेत्र भी ज़्यादा है और भारत में अधिकांश ग्रामीण परंपराएं हैं। आज भी भारत के अधिकांश लोग परंपराओं में, ठीक है ना, रूढ़िवादिता में और अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं, ठीक है ना। इसके साथ जब मैं आगे बात करूंगा, ठीक है ना, जब मैं जनगणना की बात करता हूं, ठीक है ना, तो हमें ये जनगणना के बारे में भी देख लेना चाहिए, क्योंकि लेखपाल वगैरह या जो और नॉर्मली वनडे एग्जाम आते हैं तो उनमें फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं फैक्ट की बात करता हूं तो देखो, सबसे पहले जनगणना 1872 में है, वायसराय उस समय ब्रिटिश शासन था, 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो थे, ठीक है ना, वायसराय थे, गवर्नर जनरल नहीं थे, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो, ठीक है ना, इन्होंने करवाई थी सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछता है ना पहली जनगणना, तो आप जवाब दोगे 1872। फिर पूछ लेगा पहली दशकीय जनगणना, तो ये 1881 में पहली पूर्ण दशकीय जनगणना हुई थी। इसका मतलब क्या है कि पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 से 80 तक हुई थी, मतलब 8-9 साल की हुई थी। तो ये जबकि जनगणना जब से 81 से अब तक जो की जा रही है वो प्रत्येक 10 साल बाद की जा रही है, तो ठीक है ना। आपसे पूर्ण जनगणना पूछे पहली, तो आप 1881 जवाब दोगे, ठीक है ना, और फर्स्ट जनगणना पूछे कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872। किस वायसराय के काल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है ना। उन्हें जब हम बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, तो भारत स्वतंत्रता के बाद 1949 से जनगणना जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गई थी, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। उन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ध्यान रखना महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त इसका क्या करते हैं, जनगणना कराते हैं, ठीक है ना, अपने प्रशासन के माध्यम से। और जब हम 1951 के बाद देखते हैं जनगणना को, तो ध्यान रखना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 1951 के बाद क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। उससे पहले जो जनगणना की जाती थी वो अंग्रेजों के ही अनुसार की जाती थी, लेकिन हमने 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया और 1951 की जनगणना के बाद सभी जनगणना, जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार की जाती हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि भारत में अंतिम जनगणना कब की गई थी, तो सिंपल सी बात है, अंतिम जनगणना कब की गई थी, 2011 में की गई थी। कब की गई थी,
2011 में। वर्तमान में जो हम पढ़ेंगे लेखपाल के लिए वो वही पढ़ेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 2021 की जनगणना जो है वो मतलब कोरोना की वजह से थोड़ा सा क्या हो रही है, डिले हो रही है, ठीक है ना। तो जो अंतिम जनगणना है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 मई 2010 से ये क्या की गई थी, शुरू की गई थी, ठीक है ना। और आगामी जनगणना कौन सी है वो 2021 में की जा रही थी, लेकिन कोरोना के चलते अब पता नहीं क्या देंगे रिकॉर्ड, ठीक है ना। ये बोला जा रहा है कि ये जनगणना जो होगी हमारी आगामी वो डिजिटली कार्ड होगी, ठीक है ना, ऑनलाइन की जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि स्वतंत्रता से पहले जनगणना कितनी बार की गई है और स्वतंत्रता के बाद, तो ध्यान रखना 1872 से की गई है। 1872 से कब तक, 1941 तक, ये 8 बार हो गई। तो स्वतंत्रता से पहले जो जनगणना की गई थी वो 8 बार और स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना अब तक की गई है वो 7 बार, तो कुल जनगणना अब तक कितनी बार हो गई, 15 बार, ठीक है ना। तो जो अंतिम जनगणना है हमारी 2011 वाली, ये कौन से नंबर की जनगणना है, तो ये 15वीं जनगणना थी। आगामी जनगणना कौन से नंबर की है, तो ये 16वें नंबर की। ध्यान रखना एक एक फैक्ट आपके लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम का इतिहास क्या है। जो हम ग्राम शब्द बोल रहे हैं बार बार, ठीक है ना, जो ग्राम समाज है ना, ग्राम विकास, ये शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, तो इसमें ग्राम शब्द का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पहलू क्या है, ठीक है ना। तो जब हम हिस्टोरिकल पहलू को जानते हैं तो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है ना, तो ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है, और ऋग्वेद में इसका 13 बार उल्लेख किया गया, याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है 13 बार, ठीक है ना। ग्राम को, ग्राम जैसा कि एक क्षेत्र ही तो होता है, मैंने अभी बताया था, एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई व्यक्ति समूह या विशेष वर्ग का समूह रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ बिस्मिन क्षेत्र शब्द को 170 बार बोला गया है, और जन, ये भी क्षेत्र से रिलेटेड होता है, इसे 270 बार बोला गया, जन मीन्स लोग, ठीक है ना, इनको 270 बार वर्णन किया गया, तो ये कभी कभी पूछा जाता है। दूसरी बात, जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है ना, तो भारत में सबसे छोटी क्षेत्र के आधार पर इकाई कौन सी है, ठीक है ना, सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है ना, छोटी के बाद कौन सी आती है, ये जानना भी हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। तो जब हम भारत में सबसे छोटी इकाई देखते हैं तो परिवार सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना, ये आपको जानना है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा ये सब जानकारी, उसके साथ साथ आपके इंटरव्यू को, लेखपाल में जो इंटरव्यू होगा उसके इंटरव्यू को भी आपको मजबूत करेगा, और उसके साथ साथ जब आप लेखपाल बन जाओगे तो भारत की जो समाज को जानने में आपको बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। हम ये वादा कर रहे हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दूसरी बात, जब बहुत सारे परिवार आपस में मिलते हैं, उन सबको मिला करके तैयार होता है गांव, जिसे हम ग्राम बोलते हैं ना, गांव, तो वो कई परिवार आपस में मिलते हैं तब एक इकाई स्टार्ट होती है जिसे हम ग्राम कहते हैं, ठीक है ना। फिर कई गांव जब मिलते हैं तब ब्लॉक तैयार होता है, तो एक ब्लॉक में कई गांव होते हैं, ठीक है ना। फिर कई ब्लॉक जब मिलते हैं तो भाई साहब तहसील तैयार होती है, तो हम सीधी सीधी जान सकते हैं कि तहसील के अंतर्गत कई ब्लॉक होंगे, ब्लॉक मीन्स खंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद जब कई तहसील मिलती हैं तब भैया जिला का निर्माण होता है, तो इसका मतलब एक जिले में कई तहसील होती हैं और कई जिलाओं को मिलाकर के मंडल का निर्माण होता है, किसका, मंडल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक मंडल में कई जिले होते हैं, और कई मंडलों को जब आप मिला दोगे तो निश्चित रूप से ध्यान रखना राज्यों का निर्माण होता है, तो एक राज्य में कई मंडल होते हैं, उसके साथ कई राज्यों को मिला दोगे तो भारत देश बन जाएगा। तो भारत देश में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित राज्य हैं, जो केंद्र द्वारा शासित किए जाते हैं, और 28 पूर्ण राज्य, कुल मिला के 36 राज्य हैं भारत में। तो 36 राज्यों को मिला करके क्या बना है, एक देश बना है। तो हम जान सकते हैं कि परिवार से बड़ी इकाई जो होती है वो गांव होती है, गांव से बड़ी ब्लॉक होती है, और ब्लॉक से बड़ी तहसील, से बड़ी जिला, जिला से बड़ी मंडल, मंडल से राज्य, और राज्य से देश। तो हम ये जान सकते हैं कि भारत में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परिवार होता है, और भारत में सबसे बड़ी क्षेत्र के आधार पर जो इकाई होती है वो देश होता है, ठीक है ना। जिला के अंदर ही आपको गांव मिलेंगे, आपको परिवार मिलेंगे, ब्लॉक मिलेंगे, तहसील मिलेंगे, और वहीं नगर मिलेंगे, शहर मिलेंगे, और कस्बे भी मिलेंगे। कस्बे के बारे में हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट जो है वो ये है कि शहर और गांव में क्या अंतर है। जैसा अभी एक शब्द आया था शहर और गांव, ठीक है ना, आज हम आपको पूरा बेस क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शहरों को जानना चाहिए और गांवों को, शहर और गांव के बीच में क्या विषमता पाई जाती है, कैसे देखे जाते हैं शहर और गांव अलग अलग निगाहों से, ठीक है ना। तो देखिए शहर को जब हम जानते हैं तो शहर का मतलब ये होता है कि ये हर एक स्तर पर क्या होगा, विकसित होगा,
किससे? गांव से। गांव हर एक स्तर पर पिछड़े हुए होंगे, हालांकि अब विभिन्न प्रकार से इनको सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शहरों की अपेक्षा ये क्या होंगे? पिछड़े हुए होंगे। यदि हमको गांव को शहरों के बराबर लेके आना है तो सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न साधनों के माध्यम से और विभिन्न संसाधनों के माध्यम से क्या करेगी? उनका सपोर्ट करेगी, विभिन्न योजनाएं चलाए जिससे गांव का विकास हो, जैसे ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है ना, दुग्ध योजना, ठीक है ना, रोजगार योजना। तो गांव क्या होंगे? शहरों जैसे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गांव में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले गांव में ये देख रहे हैं, शहरों में सबसे पहले तो अच्छी सड़कें होती हैं, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन जब अच्छा होगा तो आराम से यातायात किया जा सकता है, जिससे कि व्यापार और वाणिज्य जो आराम से क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, व्यापार व वाणिज्य आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि संचार के जो साधन होते हैं वो आसान होते हैं, ठीक है ना। शहरों में लोगों में जागरूकता होती है क्योंकि उनमें उच्च शिक्षा होती है, उच्च शिक्षा शहरों में होती है। परिवहन सुविधा बहुत आसान होती है शहरों में, शहरों में उद्योग खोले जाते हैं जिससे व्यापार और वाणिज्य बढ़ती है और लोगों को रोजगार की संभावना बनी रहती है। इसीलिए जब हम माइग्रेशन को पढ़ते हैं, पलायन को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग गाँव से रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं? शहरों में जाते हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही गांव शहरों की जो दिनचर्या होती है, लाइवलीहुड जो होती है, ठीक है ना, वो उच्च क्वालिटी की होती है, हाई क्वालिटी की। इसका मतलब शहरों में लाइव का मतलब टाइम से खाना, टाइम से पीना, टाइम से ड्यूटी जाना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, समझ रहे हैं ना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, ये सब शहरों में देखने को मिलता है, ठीक है ना। साफ सफाई बहुत ज़्यादा मिलती है शहरों में, ठीक है ना, सुविधाएं मिलती हैं शहरों में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वर्तमान तो मैं खैर ग्रामीण में भी लाइट वगैरह ये सब है, लेकिन शहरों में ये हमेशा पहले से ही ज़्यादा मिलती है, और ज्ञान और विज्ञान पाया जाता है शहरों में, ठीक है ना। उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा भी उच्च क्वालिटी की, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते हैं, जिला अस्पताल जो होते हैं, ठीक है ना, एम्स वगैरह जो होते हैं, ये सब कहाँ होते हैं? ये सिटी में होते हैं, ठीक है ना। उसके साथ डिजिटलीकरण शहरों में, वर्तमान में हम डिजिटलीकरण भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऑनलाइन जो ऑनलाइन व्यापार ले लो आप, ठीक है ना, ऑनलाइन सेवाएं ले लो बहुत सारी, ऑनलाइन ड्यूटीज वगैरह ले लो, ठीक है ना, ये सब शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अब गांव को जब हम देखेंगे तो इन सब में गांव पिछड़ रहे होंगे, ठीक है ना। गांव में पहले तो अच्छी चीज़ क्या मिलेगी कि गांव में उच्च संस्कार होते हैं, ठीक है ना, मान मर्यादा होती है लोगों में, रेस्पेक्ट आदर भाव होता है लोगों में, ठीक है ना, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, ये गांव में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आमतौर पर जब हम गांव में जाते हैं तो हम अपनी चाची ताई वगैरह इनको देखते हैं तो वो अपने से बड़ों से घूंघट वगैरह करती हैं, हालांकि ये ठीक नहीं होता, लेकिन ये एक रेस्पेक्ट की वजह से गांव में आज भी विद्यमान है, ऐसा शहरों में देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है ना। और अंधविश्वास ज़्यादा गाँव में होता है, ठीक है ना, अंधविश्वास मतलब बिना जाने ही विश्वास कर लेना, ये सब ज़्यादा होता है गाँव में। परंपराएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि पड़ोसी ऐसा कर रहा है तो हम भी करेंगे, ठीक है ना। निम्न का शिक्षा का स्तर होता है, शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, कुछ खास जो विकसित परिवार के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अपने, क्यों नहीं होती शिक्षा उच्च, इसलिए नहीं होती कि वहाँ आय का स्रोत निम्न होता है, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा आय वाले बड़े बड़े किसान वगैरह या वैसे लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों को शहर में उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं। मान लो किसी को IIT करानी हो, किसी को MBBS करानी हो, किसी को IAS बनाना हो, तो वो सब बड़े शहरों में भेजते हैं अपने यहाँ से लोग बच्चों को, ठीक है ना। फिर रीत रिवाज ज़्यादा फॉलो की जाती हैं गांव में, रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा होते हैं गांव के लोग, ठीक है ना। और डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी उतना नहीं है। शहरों में जितना ऑनलाइन क्लास करते हैं बच्चे, गाँव में नहीं करते, गाँव में उतने लैपटॉप वगैरह नहीं मिलेंगे। हालांकि धीरे धीरे सरकार योजनाओं के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि भाई विभिन्न सरकारें लैपटॉप बच्चों को देती हैं पढ़ने के लिए, कोरोना काल में तो ये बहुत कंपलसरी हो गया था, ठीक है ना। उसके साथ साथ गांव का निम्न विकास होता है, संरचनात्मक विकास भी और आर्थिक विकास भी। संरचनात्मक से मतलब, अब तो खैर गांव में मकान थोड़ा सा बनना स्टार्ट हो गया, नहीं पहले गांव में कच्चे मकान मिलते थे, घास फूस से बने हुए मकान मिलते थे, ठीक है ना। कुछ जगह जब हम आदिवासी क्षेत्रों में आज भी जाएंगे तो वहाँ आज भी वही कच्चे ईंटों से और लकड़ियों के बने हुए मकान होंगे, ठीक है ना। सड़कें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, ठीक है ना। कुछ जो बड़े बड़े शहर हैं उनके पास वाले गांव में सड़कों का विकास अच्छा होता चला जा रहा है, लेकिन जब हम आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो आज भी वहां पर सड़कों का क्या है, अभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी गाँव जो है वो पिछड़े हुए होते हैं, रोजगार नहीं होता है वहाँ पहली बात। ज़्यादातर लोग कृषि में ले रहते हैं, भारत भी कृषि में जो ज़्यादा बहुत कुछ लाभ वाली कृषि भारत में नहीं होती है, ठीक है ना।
दूसरी बात, जो गांव के लोग होते हैं इसीलिए अपना जीवन बहन कर पाते हैं कि उनका खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता, वरना तो ये लोग अगर शहर में रहेंगे और ये इनकी गांव वाली इनकम रहेगी तो शहर में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये गांव और शहर के बीच हमने क्या बताया आपको, डिफरेंस बताया था। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर राज्यों की स्थिति क्या है। ठीक है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या का आधार है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। तो मैं यहाँ जो आपको सेंसस लूंगा वो 2011 का आपके लिए सेंसस लूंगा, ठीक है, जिसमें आधार क्या होगा, ग्रामीण जनसंख्या। मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि किस राज्य में कौन सा राज्य कुल ग्रामीण जनसंख्या में सबसे आगे है, कौन सा राज्य कुल ग्रामीण संख्या में सबसे पीछे है। ठीक है ना, तो पहले तो टोटल में हम देखेंगे कि कुल मिला के किस राज्य में ग्रामीण लोग ज्यादा हैं, फिर देखेंगे कि परसेंट में इतने हैं, इतने में से इतने ग्रामीण ही लोग हैं। मान लो किसी गांव में 100 लोग, किसी राज्य में 100 लोग हैं, उनमें से 90 लोग क्या हैं, ग्रामीण हैं, तो वो परसेंट में ज़्यादा हो गया। किसी राज्य में 200 लोग हैं लेकिन उसमें 90 क्या हैं, ग्रामीण हैं, तो इसमें तो 45% हो गया। कुल 95 मान के चलिए या 100 मान के चलिए, तो परसेंट में तो ये केवल 50 ही हो गया, लेकिन संख्या में ये सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, यही हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे कुल जनसंख्या के आधार पर मैं अधिकतम को देखता हूँ, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लोगों की मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है ना, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, कई बार ये एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। दूसरे नंबर पर बिहार है, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तीसरे पर आता है बंगाल और फोर्थ पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र में भी ग्रामीण जनसंख्या फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है ना, उसके बाद जब मैं अधिकतम में प्रतिशतता में बात करता हूँ, परसेंटेज में, भाई जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा किसमें है, तो हिमाचल प्रदेश में 90% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। तो परसेंट के आधार पर हिमाचल प्रदेश भारत में सबसे टॉप पर आता है। ठीक है ना, जनसंख्या में बिहार में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 88.7% है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पर परसेंट में आसाम है और फोर्थ पर कौन है, उड़ीसा। और जब मैं निम्नतम में बात करता हूं तो संख्या में और फिर प्रतिशतता में, तो सबसे कम संख्या में सिक्किम में ग्रामीण लोग मिलेंगे आपको, वैसे भी सिक्किम का जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरे नंबर पर मिजोरम में मिलेंगे कुल जनसंख्या में कम सबसे, ठीक है ना, फिर गोवा में और फिर अरुणाचल प्रदेश में। जब मैं प्रतिशतता की बात करता हूँ तो सबसे कम जो है ग्रामीण प्रतिशतता वाले लोग वो गोवा में मिलेंगे। इसका मतलब आपसे ये पूछ लेगा सबसे ज़्यादा शहरी लोग प्रतिशतता में किस में ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा शहरी इसमें मिलेंगे और सबसे कम ग्रामीण भी इसी में मिलेंगे। ठीक है ना, जब ग्रामीण ज्यादा है इसका मतलब, ग्रामीण कम है इसका मतलब क्या है, शहरी ज्यादा है प्रतिशतता में। ठीक है ना, उसके बाद मिजोरम आता है, तीसरे पर तमिलनाडु और फोर्थ पर केरल आता है। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे गांव व ग्राम सभा में क्या अंतर है। एक सब यहाँ इकाई आएगी ग्राम सभा, ठीक है ना। अब प्रशासनिक इकाई, मैंने ये बताया था कि हमारा अब धीरे धीरे हमने गांव को जान लिया, ठीक है ना, शहरों को जान लिया, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों को जान लिया, ठीक है ना, कौन सा राज्य आगे है कौन सा पीछे है। अब हम देखेंगे ग्रामीण प्रशासन, मैंने बताई थी ग्रामीण प्रशासन के घटक और इकाइयां, ठीक है ना, तो उसमें जो हम इकाइयां पढ़ेंगे तो पहली इकाई अब ग्राम सभा आ गई। ठीक है ना, तो गाँव और ग्राम सभा में डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो गाँव तो मैंने आपको बता ही दिया कि गांव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्ति समूह या किसी समूह वर्ग के लोग निवास करते हैं, लेकिन ये छोटा क्षेत्र होगा, ठीक है ना, नगरों की अपेक्षा भी छोटा होगा। गांव को कौन गांव घोषित करता है, तो ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र गांव होगा ये राज्य सरकार अधिसूचित करेगी, और उस अधिसूचित की जो घोषणा होगी उसे राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा उस राज्य का, राज्यपाल ये घोषित करेगा ये गाँव है। लेकिन किस एक्ट के तहत, तो पेशा एक्ट बनाया इसके लिए, ठीक है ना, पेशा एक्ट, इसी के तहत राज्यपाल जो है वो क्या करता है, गांव घोषित करता है। लेकिन क्षेत्र को अधिसूचित कौन करता है, ये राज्य सरकार करती है। ध्यान रखना ये क्षेत्र गांव होना चाहिए ये राज्य निर्धारित करता है, और ये हो गया गांव ये राज्यपाल निर्धारित करता है। राज्यपाल को ये किस एक्ट के तहत अधिकार मिला है, जो पेशा एक्ट के तहत। पेशा एक्ट का वर्णन क्या संविधान में है, बिल्कुल है, भारतीय संविधान के भाग 9 मैं पेशा एक्ट के बारे में बात की गई है, वहां पे पंचायतों के बारे में जो बात की गई है वो पेशा एक्ट के ही बारे में है। ठीक है ना, और ये जो पेशा एक्ट है ना वो केंद्रीय कानून है, ना कि राज्य का कोई कानून। इस चीज को भी आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। तो भाग 9 को आपको समझने की कोशिश करनी है कि भाग 9 में पेशा एक्ट के बारे में बातें हैं, ठीक है ना, गाँव क्या होते हैं, गाँव को घोषित करने के बारे में जानकारी भाग 9 में ही है, ठीक है ना। उसके बाद मैं ग्राम सभा की बात करता हूं, तो आपसे पूछे ग्राम सभा क्या होती है,
तो आपको जवाब देना चाहिए, जो सभी ग्रामीण लोग होते हैं या ग्रामवासी लोग होते हैं, वो किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, उनके प्रशासन के लिए जो सभा चलाई बनाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी गांव में सभी ग्रामवासियों की प्रशासन के लिए जो सभा बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है ना, ग्राम सभा है ना वो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे प्राथमिक इकाई है, या हम यूँ कह लें किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वो क्या है, सबसे प्राथमिक इकाई होती है, वहीं से शुरुआत होती है। ठीक है ना, तो ग्राम सभा को चुनने का अधिकार किसका है, इसका मतलब ग्राम सभा में सभी लोग, मतलब ग्राम सभा जो होती है वो ग्रामीण और ग्रामीण वासियों के लिए बनाई जाती है, वो किसी भी एज के हों, लेकिन ग्राम सभा को चुनेगा कौन, तो ग्राम सभा को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, उस ग्राम सभा की मतदाता सूची में उनका नाम पंजीकृत होना चाहिए, वो व्यक्ति ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है ना, ग्राम सभा को चुनते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है ना, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा वो व्यक्ति ग्राम सभा को नहीं चुन सकता, 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति भी ग्राम सभा को नहीं चुन सकता, पागल और दिवालिया व्यक्ति चाहे वो 18 वर्ष से ऊपर का ही क्यों ना हो वो भी ग्राम सभा को नहीं चुनेगा। ठीक है ना, फिर दूसरी बात आती है कि फिर ये क्या है, क्यों बनाई जाती है, तो ये कॉरपोरेट निकाय होता है, कॉरपोरेट मीन्स सहयोग के लिए बनाया जाता है, आपस में सहयोग के लिए ये निकाय बनाया जाता है, और भारतीय संविधान में इसकी परिभाषा को आर्टिकल 243 ख या बी में परिभाषित किया गया है, किसमें किया गया है, आर्टिकल 243 ख या बी में, तो इसका मतलब क्या है, ग्राम सभा के बारे में जानकारी भारतीय संविधान में भी देखने को मिलती है। थोड़ा सा और ग्राम सभा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि ये ग्राम सभा कैसा निकाय है, तो हमने बताया था ये एक कॉरपोरेट निकाय है, मतलब आपस में मिलकर के सहयोग के साथ यहाँ लोग काम करते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात ये प्राथमिक निकाय है, किसका, पंचायती राज व्यवस्था का, यहीं से शुरुआत होती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। ठीक है ना, तीसरी बात ये स्थायी है, ऐसा नहीं है कि इसे भंग कर दिया जाएगा, जैसे ग्राम पंचायत जो होती है उसे भंग कर सकते हैं, क्षेत्र पंचायत को भंग कर सकते हैं, जिला पंचायत को भंग कर सकते हैं विषम परिस्थितियों में, लेकिन ग्राम सभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी होती है। ठीक है ना, उसके साथ साथ आपसे अगर पूछे कि ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा निकाय कौन सा है, तो ग्राम सभा ही पंचायती राज व्यवस्था का सबसे बड़ा निकाय होती है। दूसरी बात ये ग्राम सभा किस किस का निर्माण करती है, ये चीज भी आपको जानना चाहिए, तो जो ग्राम पंचायत होती है ना वो ग्राम सभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो ग्राम पंचायतों का निर्माण करते हैं, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक पंचायत जो होती है उनका भी वही निर्माण करते हैं, और जिला परिषद का भी ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जबकि ग्राम सभा का निर्माण कोई प्रतिनिधि नहीं करता, ग्राम सभा का निर्माण उस ग्राम में उपस्थित जो मतदाता होते हैं, ध्यान रखना, जबकि ग्राम सभा मतदाताओं द्वारा क्या होती है, बनती है, उसके लिए किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, लेकिन इन सब के लिए लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, उसके साथ ही हम निर्णय के बारे में बात करें तो इसका क्या महत्व है, तो ध्यान रखना ग्राम सभा ने कोई भी निर्णय दिया तो कोई भी निकाय उसके द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द नहीं कर सकता, इसके निर्णय को रद्द करने के लिए खुद ग्राम सभा ही क्या होती है, जिम्मेदार होती है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, केवल ग्राम सभा ही इसके लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट ग्राम सभा के बारे में, तो देखो इसके सदस्यों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैंने ये बताया था 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति है तो वही क्या बनेगा, वही ग्राम सभा का सदस्य होगा, और उस गांव के निवासी, मेरा कहने का मतलब ग्राम सभा का जो मेंबर होगा वो उसी गांव का होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं अन्य गांव का कोई व्यक्ति बनेगा, ऐसा नहीं होगा। बैठक की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः ये माना जाता है, जब हम पंचायती राज अधिनियम की बात करते हैं तो ये बोला गया है कि भाई सामान्यतः कम से कम वर्ष में 2 बैठक इसकी होनी चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो जनरली 4 बैठक होनी चाहिए, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 बैठकें होनी चाहिए। इसके गठन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, यही एक्ट के तहत, तो सरपंच अनुमोदन करेगा, उसके बाद जो पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम सभा का क्या करेगा, गठन करेगा। ठीक है ना, उसके साथ साथ अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं, ग्राम सभा जो होती है उनमें संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना ग्राम सभा में कम से कम 200 लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी। ठीक है ना, संडे था, कल से क्लास को और बढ़ा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ क्लास कराने के बाद
एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम आपको उस क्लास के जस्ट बाद वाली क्लास में सॉल्व कराया करेंगे, जिससे कि आपको बेहद आसान हो जाए। और आप हमारी क्लास को यदि अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो भी आपके पेट वाले पेट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, जो लेखपाल का एग्जाम देंगे, उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।